बिहार के मुख्य समाचार। जिन्ना पर शत्रुघ्न सिन्हा की फिसली जुबान, विपक्ष का हमला, कुछ तो करो शर्म। भाजपा से कांग्रेस में आए बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने बयान में मोहम्मद अली जिन्ना को देश की आजादी का नायक और कांग्रेस को जिन्ना की पार्टी कह दिया। उनके इस बयान से बिहार में सियासी उबाल जारी है। भाजपा ने इसे जहां बिहारियों के मान सम्मान पर कुठाराघात बताया, तो वहीं महागठबंधन के नेताओं ने उनका बचाव किया है। लोकसभा चुनाव में बेगूसराय के कुरुक्षेत्र में दिल्ली और मास्को के द्वंद्व गीत। बेगूसराय के इस चुनाव में दिल्ली भी है और मास्को भी। दिल्ली और मास्को प्रसिद्ध कवि दिनकर की बहुचर्चित कविता थी। उस समय की इस कविता का अर्थ इस चुनाव में बदले अर्थों में कायम है। चुनावी रण में राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बनी बेगूसराय सीट से राष्ट्र कवि दिनकर का जुड़ाव उनकी जन्मभूमि के कारण तो है ही, उनकी रचनाओं की पृष्ठभूमि में भी यह इलाका गहरा समाया हुआ है। बिहार में गरमाया मौसम का मिजाज, दो दिनों तक राहत के नहीं आसार। गया डिस्ट्रिक्ट का पारा 43 के पार। मौसम विभाग के तल्ख तेवर ने बेचैनी बढ़ा दी है। अभी दो दिनों तक तपिश से राहत के आसार नहीं है। शुक्रवार को कड़ी धूप और उमस भरी गर्मी ने राजधानी वासियों को बेहाल कर दिया। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्वी बिहार में चक्रवात बना हुआ है, उससे राजधानी एवं राज्य के अन्य भागों में नमी आ रही है, लेकिन तेज धूप होने के कारण नमी उमस में बदल रही है। तेजस्वी संग पहली बार चुनावी मंच पर दिखे राहुल गांधी, बोले लालू के अपमान का जवाब देगी जनता। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को समस्तीपुर की चुनावी सभा में अपने संबोधन की शुरुआत मैथिली में लोगों का हाल पूछकर की हाल छे। इसके बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, वहीं भाजपा को लालू और उनके परिवार को अपमानित करने वाला करार दिया तथा कहा कि यह पूरे बिहार का अपमान है, इसका बदला जनता लेगी। राहुल गांधी बिहार की किसी चुनावी रंग सभा में पहली बार तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे। महागठबंधन में उम्मीदवारों के बीच उठापटक से बड़ी परेशानी, 5 सीटों पर एनडीए को लाभ। महागठबंधन के दलों के बीच उम्मीदवारी को लेकर हुई उठापटक और आपस में सीटों की छीना झपटी के चलते कम से कम 5 लोकसभा क्षेत्रों में एनडीए को राहत मिल रही है। पिछले चुनाव में इन सीटों पर भाजपा की जीत हुई थी। इस बार कुछ सीटों पर स्थानीय कार्यकर्ता उम्मीदवार बदलने की मांग कर रहे थे। भाजपा ने 2 उम्मीदवार बदले भी, लेकिन आंतरिक बदलाव की तुलना में इन सीटों पर महागठबंधन की लचर रणनीति का लाभ एनडीए को मिल सकता है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज़।